हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज है मेरे बेटे का बर्थडे और बाबू का बर्थडे। बस इसी तरह घर में ही मनाना है, तो बोला है मम्मा कहीं नहीं जाएंगे, तो बस थोड़ा सा शाम में चले जाते हैं और खाओ के आ जाते हैं बाहर ही। तो बाबू बोला नहीं, बाहर कहीं नहीं जाऊँगा, घर में ही रहूँगा, तो बस मेरे पसंद का खाना बनाइएगा, तो मम्मा चाट बना दीजिएगा, तो बोल के रखा था। तो मैं रात में ही काबली चना को सोख कर दी थी और इधर सारा फ्रूट्स कट वट करके रेडी करके ढक वक दी हूँ और इमली भी फुला दी है दोस्तों। और ये इमली इतना मीठा है ना, काला नमक डाल करके मैं इसी तरह फुर्सत में बैठ के इसे खाऊंगी, बहुत अच्छा लगता है। तो इसका चटनी भी बहुत टेस्टी लगता है। और ये साग आज तो बिल्कुल नहीं बनेगा साग। अरे बाबू नारियल मंगाया था, बोला था मम्मा लंगलत्ता बनाइएगा मेरे लिए, तो देखूंगी, बट मुझे नहीं लगता कि मैं टाइम निकाल पाऊंगी, बहुत बहुत टाइम लग जाता है लंगलत्ता बनाने में। तो ये काबली चना को धो दिए हैं, तो जो पानी निकला है ना दोस्तों, जो पहला पानी है रात भर का, जो फुला हुआ पानी है ना, इसको मैं सिर्फ अपने प्लांट में डाल दूंगी, कहीं कहीं थोड़े थोड़े से। तो ये काफी अच्छा फर्टिलाइजर होता है। इसके बाद काबली चना को तीन चार पानी से धोंगे, तो ये पानी भी जितना जैसे धो रहे ना, तो इसको भी प्लांट में डाल सकते हैं। तो अब गार्डन में कौन जाएगा बार बार हालांकि इकट्ठा करते तो हो जाता, तो कोई बात नहीं, मैं जो पहला पानी था ना रात भर का, वो मैं डाल दी। तो थोड़ा सा अगर मैं और भी इस तरह से करती ना, एक बाल्टी में थोड़ा और पानी मिला के डाल देती, तो वो और फायदा करता, बट इतना ध्यान भी नहीं आया। कोई बात नहीं, मैं देखी, ऐसा कुछ प्लांट को नुकसान नहीं है। तो नमक, हल्दी और थोड़ा गरम मसाला डाल करके मैं इसे बैठा देती हूँ। तो बाहर रहता है ना, तो काफी डस्ट स्कूटी में पड़ जाता है, तो डेली का ही है इनका धोना, बाहर धोते हैं तो अपने है ना दोस्तों, मैं ये मंदिर के पास ही स्टार्ट करती हूँ।
सबसे पहले सुबह उठते ही कभी कभी सोचती हूँ कि सबसे पहले झाड़ू लगाऊँ उसके बाद मोपिंग कर दूँ, बट नहीं हो पाता है। सबसे पहले उठ के मैं ब्रेकफास्ट बनाती हूँ, बाबू को स्कूल भेजती हूँ, उसके बाद आराम से किचन में बहुत सारा फ्रूट्स कट वट करना रहता है, साफ़ सफाई, तो चाय वाय पीने के बाद मैं इस तरह से फिर ये सब काम स्टार्ट करती हूँ। इधर हबी का पूजा हो गया तो मेरा नहीं हो पाता है, तो अब मैं भी दोस्तों शावर लेके पूजा कर लूँगी। ठंडी लग रही है तो स्वेटर पहन लिए और हमें चल तो अब मैं बना लेती हूँ बहुत ही इजी तरीके से मैं चाट बनाती हूँ, मतलब बहुत इजी तरीके से। तो कोई पापड़ी चाट मैं नहीं बनाई हूँ, तो मुझे ध्यान में भी नहीं आया कि पापड़ी बना लूँ, तो इतना कल बिजी थे ना कि ध्यान में नहीं आया, तो बट ये ऐसे ही बहुत अच्छा लगेगा। तो ये चना, काबली चना को जो मैं सीटी लगा के गई थी ना, तो मैं देखी कि सही से पका नहीं, तो एक सीटी और भी मैं इसी तरह बैठा दी थी। तो अब ये इमली का पानी मैं इसमें डाल दूंगी, जिससे इसका टेस्ट दोस्तों ये बिल्कुल मार्केट जैसा लगता है, मतलब मार्केट वाले से भी फर्स्ट क्लास लगता है दोस्तों। और थोड़ा सा तेल डाली हूँ, हालांकि इससे भी कम तेल डालने से हो जाता। और ये बस धनिया पत्ता है, अदरक है और हरी मिर्ची, और कुछ नहीं है दोस्तों। थोड़ा सा पेस्ट बना के इसी तरह मैं तेल में डाल दी, थोड़ा सा भूनूंगी इसे। और ये काबली चना को डाल दे रही हूँ, जिसमें पहले से ही हल्दी और नमक और थोड़ा सा इलायची पाउडर डाल करके मैं बैठा दी थी। और ये जो टमाटर वगैरह कट की हूँ ना, इसे भी मैं डाल दे रही हूँ। और दोस्तों ये है मेन मसाला, ये है, तो ये है धनिया का पाउडर। पाउडर नहीं है, घर में ही मसाला तैयार करते हैं ना, थोड़ा सा हल्का सा दरदरा पीस के रखती हूँ, तो उसी धनिया को मैं थोड़ा सा गरम कर ली कढ़ाई में। गरम क्या करना है दोस्तों, एक थोड़ा सा ब्राउन कलर करना है, और बस इसे थोड़ा सा इसी तरह मैं बेलन चौकी से ही आराम से, ये थोड़ा सा दरदरा हो, पहले से दरदरा था, थोड़ा सा दरदरा हो गया, तो इतना करके रेडी कर लिए। सेव सब मैं रेडी कर दी और अब इसको करूँगी सर्व।
ये पी लिया है। तो ये आटा गूंद करके मैं रख ले रही हूँ, जिसमें मैदा है थोड़ा सा मिलाई हूँ और दही वही सान करके, और इसे एक घंटे के लिए छोड़ दूंगी। तो काफ़ी इतने देर में बहुत बढ़िया से एकदम बहुत स्पॉन्जी हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा। तो इसका बनाओगे दोस्तों होममेड नान, तो अच्छा बन जाता है नान। तो अब मैं चल के थोड़ा सा मैं पपीता खाए और उसके बाद चाट खाए और इतना पेट भर गया, नींद नींद जैसा लग रहा था। तो थोड़ी देर के लिए जस्ट मैं नैप ली थी, तब तक तो डिलीवरी वाला आ गया केक लेके। और ये इसमें ऑयल नहीं है, इसमें भर देती हूँ। वैसे ये ऑयल कंटेनर है बहुत ही प्यारा, बट इसमें ऑयल डालने में ना उतना बनता नहीं है।
खीर भी बन के रेडी हो गया। बहुत ही अच्छा। उल्टा कढ़ाई करके नान बनता है ना, मैं वो ट्राई की हूँ, बहुत अच्छा बनता है। बट उसमें है ना वो बहुत टाइम लगेगा अभी, तो मैं इसी तरह तवा में कर ली। और इधर देखिए बन गया पनीर की सब्जी, सब खाली कर दी, नान भी बन गया। इधर का तो काम हो गया, अब मैं जाके थोड़ा ये डाइनिंग टेबल को सजा देती हूँ। सजाने का काम है ना दोस्तों, मुझे बहुत अच्छा लगता है। अगर किचन से कभी मतलब थोड़ा कम काम हो किसी दिन, या होता है ना काश कोई कर दे और मैं दिन भर अपने घर को सजाती रहूं, कभी नहीं बोर होंगी ना थकूंगी। बट किचन को पहले संभाल, सारा कुकिंग वुकिंग करने के बाद जो टाइम मिलता है उसमें मैं सोचती हूँ कुछ एक्स्ट्रा काम करने के लिए, नहीं तो मुझे सजाने वाला काम बहुत अच्छा लगता है। वैसे भी बाबू तो कुछ वीडियो बनाने ही नहीं देगा, बोला है वैसे फोटो मोबाइल ले सकते हैं। प्यारा लग रहा है ना दोस्तों, कितना सुंदर लग रहा है। ढेर सारा चॉकलेट हबी लाए थे और इससे मैं डेकोरेट कर दी और बहुत सुंदर लग रहा है दोस्तों। तो इस बार केक में सनी नाम लिखवाए हैं, हालांकि उसका नाम स्कूल का कृष्णा है और घर का नाम सनी है। Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. From good friends and true, from old friends and new, may good luck go with you and happiness too. तो फ्रेंड्स वीडियो को ये पेंट करते हैं और मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, लॉट्स ऑफ लव एंड ऑलवेज स्माइल। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे।